हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और अभी मेरा मतलब अभी हो रहा है जो टाइम, वो दोपहर का टाइम है, क्योंकि आजकल है ठंड का मौसम, तो दोपहर वगैरह तो उतना कुछ नहीं होती। तो अभी 12:01 का टाइम हो चुका है और मुझे आज करनी है फ्रिज की सफाई। तो अभी मेरा जो खाना पानी था हो चुका था, दोपहर का खा पी चुके थे हम लोग, तो बस वही मैंने सोचा कि अभी कर लेती हूँ। क्योंकि क्या होता है ना, दिन उतना ही होता है और बस खाना बनाना करना घर के उन्हीं कामों में निकल जाता है। तो और फ्रीज मेरा था वो थोड़ा गंदा सा हो रहा था, तो कई दिनों से सोच रही थी पर नहीं हो पाता है। तो आज बस ये काम कर ही लेती हूँ। नहीं मतलब जितना आजकल करते रहो तो उतना ही होता रहता है। दिवाली पर साफ किया था फ्रिज मैंने पूरा, और अभी क्या हुआ इसमें ना थोड़ा सा केक गिर गया था, तो वही केक मतलब दरवाजे के पास। तो जब इसको खोलती उस टाइम ही मैंने साफ कर लिया था, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत उसकी चिपचिपाहट सी रह गई थी। जब भी मैं इसका डोर खोलती बंद करती थी तो एक अजीब सी आवाज़ करने लगा था ये। और अभी फ्रिज में कुछ ज़्यादा सामान भी नहीं था, सब्जी वगैरह थी जो वो भी ख़त्म हो चुकी थी, तो खाली ही था। तो सोचा कर लेती हूँ, और भर जाएगा तो ज़्यादा सामान इधर उधर करना पड़ता है। आज करनी है मुझे इसकी सफाई, और ये ना बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है। गंदा कैसे हुआ बताती हूँ। इसमें ना केक रखा हुआ था, तो निकालते टाइम केक गिर गया था। ये देखिए एक केक लगा हुआ है, तो इसको जब खोलो बंद करो तो ये ना इसे केक का ये है ना इसे चिपकता है, तो अजीब सी आवाज़ आती है खोलने बंद करने में। और बस इसी चीज़ का गंदा है, वैसे गंदा नहीं है। वैसे तो ये मतलब साफ ही पड़ा है, लेकिन मैं इसको कर ही देती हूँ साफ। उतना गंदा नहीं है, लेकिन ये चीज़ बहुत ज़्यादा गंदा सा हो रहा है। ये जो ये है ये, और ये इधर भी। तो बस तो मैंने पानी लगा दिया है, हो रहा है गर्म। और अभी मैं मतलब दोपहर का मेरा काम, दोपहर का ही टाइम है, तो खाना पानी वाला तो काम हो चुका है कंप्लीट। तो बस और इसको कर देती हूँ साफ, क्योंकि इन चीज़ों के लिए भी टाइम निकालना पड़ता है। ये होते हैं घर के काम जिनके लिए, क्योंकि जो डेली के काम होते हैं वो तो होते ही हैं, और इन कामों के लिए अलग से टाइम निकालना पड़ता है। तो चलो इसको कर देती हूँ साफ। तो ये पानी मेरा गर्म हो चुका है, और सब्जी की ये है खाली रखी है, ये गोभी है, फूल गोभी तो पत्ते गोभी, और सब्जी हो रही है लाने वाली। पानी हमारा, ये पानी गर्म करने के लिए ये बहुत अच्छा है, बहुत जल्दी पानी गर्म होता है, और बहुत मतलब अच्छा है पानी गर्म करने के लिए। तो इसको मैंने गर्म पानी कर लिया है, और गर्म पानी से और सरफ लगाकर साफ़ कर दूंगी, जल्दी हो जाएगा।
क्योंकि ये वैसे तो कुछ दाग धब्बे नहीं हैं इसमें। हाँ वो केक गिरा था ना, उसी का है सिर्फ इसमें, क्योंकि वो केक गिरा था, रात का टाइम था, जल्दी जल्दी मैंने उसको ऐसे साफ तो किया था लेकिन फिर भी रह गया था। तो बस इसको सरफ पानी से और साफ कर दूंगी गर्म पानी से ही। इसकी धुलाई नहीं करूंगी क्योंकि रूम में फिर पानी पानी हो जाएगा और फिर वो बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाएगा। और अभी ठंडा है और झाड़ू पोछा पहले भी हो चुका है, फिर ज़्यादा पानी हो जाएगा तो दोबारा से झाड़ू पोछा, फिर मुझे पंखा चालू करके सुखाना पड़ेगा। तो बस इसको और उसकी धुलाई नहीं करूँगी। क्या है कि इन चीज़ों की सफाई होती रहती है ना, तो फिर ये ना ज़्यादा ख़राब नहीं होते हैं जल्दी, मतलब पीले वगैरह नहीं पड़ते हैं, जल्दी ख़राब नहीं होते हैं। मेरा भी फ्रिज है हो गया है 10 साल हो जाएगा, अभी नहीं हुआ पर 10 साल होने वाला है। और मतलब मेरे से बाद में लोगों के फ्रिज आए तो चेंज हो चुके हैं, मैं अपना उतना केयर से करती हूँ क्योंकि ये चीज़ ना रोज़ रोज़ नहीं चेंज होती, 2-4 साल में भी नहीं बदली जाती है। सबको ही पता है कि महंगी चीज़ आती है तो ये 2-4 सालों में नहीं बदली जाती है, तो इनकी तो जितनी ही केयर करके रखो, जितनी इन्हें सेफ्टी से रखो उतना ही अच्छा है। तो बस इसको मैंने सरफ पानी से साफ कर लिया है और अब इसे मैं अच्छे पानी से भी साफ कर दूंगी, कपड़े से ही साफ करके पोछूंगी, इससे क्या है ये जल्दी सूख जाएगा। और इसे ना थोड़ी देर मैं फ़ैन चला के छोड़ दूंगी जिससे क्या है ये जल्दी सूख जाएगा, क्योंकि सामान भी फिर इसमें सेट करना है। और हो गया फ्रिज साफ और इसी में सारा सामान सेट कर दूंगी। ये होता है कि मतलब ये एक्स्ट्रा काम होते हैं और इनके लिए घर के जो डेली बेसिक काम होते हैं वो तो होते ही हैं,
और अभी दिन भी कुछ ऐसा हो गया है, छोटा सा, छोटा क्या, थोड़ा सा मतलब ठंडा हो गया है तो दिन छोटा ही लगता है, तो मतलब टाइम कम निकलता है नहीं मालूम पड़ता है। तो मैं कई दिनों से सोच रही थी इसको कि इसको आज करूं या कल करूं, आज करूं। क्या है कि खाना खाने के बाद फिर थोड़ा सा ना ऐसा आलस सा आता है, तो मन करता है कि 10-15-20 मिनट के लिए थोड़ा सा लेट जाओ। तो आज मैं लेटी नहीं, क्योंकि फिर लेट जाओ तो फिर नहीं काम करने का मन करता है, तो मैं फिर लेटी नहीं थी। मैंने कहा रोज का यही हो रहा है तो आज मैं पहले इसकी ही सफाई कर लेती हूँ, तो हो गया। और यहाँ पर मैं ये पोछा मार के ना पानी को एकदम सुखा दूँगी, थोड़ा बहुत ही पानी फैला है, इसीलिए मैंने मतलब इसकी धुलाई नहीं की थी, क्योंकि पानी फैल जाता तो फिर ज़्यादा ही हो जाता है काम। और ये पोछा सूखा था तो मैं इसको बार बार रगड़ कर लगा रही थी, जिससे क्या है कि ये फर्श एकदम सूखा हो जाए। यहाँ पर मतलब काम वाम करते फिर चप्पल पहन कर निकलो ना तो धब्बे से पड़ने लगते हैं, तो इसीलिए तो बस हो गया।